नमस्कार मित्रों, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं सुदर्शन सर से पूछना चाहूंगा। सर, फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग है, हाँ, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? और दूसरा, हिंदी माध्यम के बच्चों का ये कहना, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या इलाज है? सही बात सर, बुक्स से मेरे को कभी किसी से दिक्कत नहीं हुई, सब किताबें अच्छी होती हैं अपने स्तर पर। पर बात है कि जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, क्या एक्चुअल में आप कितना काम किए हैं, वो भी तो है। क्योंकि जीसी लियोंग का हम लोग ज्योग्राफी बोल देते हैं, लेकिन ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ज्योग्राफी का सिर्फ वो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है। तो आपको पूरा यदि ढंग से पढ़ना है तो मत किताबों को इस तरफ जाओ, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी काम कर जाएगी। तो जो हिंदी मीडियम का दुख है कि वो ज़्यादा पढ़ लेंगे तो मेरा क्या होगा, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कक्षा 11वीं की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसी को पढ़ लिया, समझ के ध्यान से पढ़ लिया। समझना मतलब खुद नहीं समझना, आप टीचर से समझो, क्योंकि उसके अंदर की छुपी हुई बात टीचर ही बता पाएगा। और फिर आपने एमसीक्यूज कर लिए तो उस किताब की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट के 5 से 6 साल के सवाल भी बिना उस किताब के भी हो सकते हैं। करंट अफेयर बेस्ड आप यदि थोड़ा पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम स्पेशली यदि मैं बात करूँ तो उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है वो है एनसीईआरटी समझने के साथ। सर, दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो क्लाइमेट, वेदर, एयर सर्कुलेशन वगैरह में कुछ आता है कि ये हवा इधर से उधर गई, मानसून का इधर से इधर आया, तो इसमें गर्म हवा ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे खुद ही याद नहीं रहता, कुछ बताइए इसका ट्रिक। सर, ट्रिक मतलब सिंपल सी कहानी इसकी ये है कि क्लाइमेटोलॉजी जब ये वर्ड आता है ना तो बच्चे घबराने लगते हैं। द थिंग इज क्रिएशन, आपने उस टॉपिक को यदि अपने दिमाग में क्रिएट नहीं किया एक भी चीज़ नहीं। और दिक्कत बस यही है कि एक गई विंड सिस्टम खराब हुआ तो साइक्लोन बिगड़ जाता है आखिरी तक। तो उसके कुछ जब भी पढ़ो तो कुछ चीज़ें क्रिएट कर लो। जैसे क्लास में मैं क्या कहता हूँ कि विंड का नाम कहाँ से वो आ रही है उसके अनुसार है। जैसे ईस्टर्ली बोला मैंने, तो ईस्टर्ली मतलब वो ईस्ट से आ रही है। अब बजाय आपको ईस्टर्ली बोलने के बजाय आपको क्रिएट भी होना चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन किधर है, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं आएगा, तो मैप भी इमेजिनेशन में आना चाहिए। ईस्ट मतलब किधर, एशिया से इधर ऐसे। वेस्टर्ली तो वेस्ट से जो आ रही हो। तो सबसे बेसिक शब्द है कि जहाँ से विंड आती है वहाँ से। अब जैसे मैं एयर के बारे में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ जैसा सरफेस वैसी हवा, गर्म सरफेस तो गर्म हवा, ठंडी सरफेस तो ठंडी हवा। अब गर्म है तो फिर वो ऊपर उठेगी। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तुम रीड कर रहे हो क्लाइमेटोलॉजी को, बेकार है, तुम समझो, तुम देखो, इमेजिन करो, वो ज़्यादा सही है। अच्छा सर, ये जो आपने बताया कि विंड का नाम उसके कहाँ से उद्भव हुआ, तो क्या समंदर में भी ऐसा है या उसमें उल्टा है? तो रही बात सर डायरेक्शन की, तो जब विंड आती है तो उसका इम्पैक्ट का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और हमेशा ईस्ट वेस्ट जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट के अनुसार लेते हैं। अब आपको यदि कॉन्टिनेंट पे चेक करना हो तो अपने आप को इमेजिन करो कॉन्टिनेंट पे, आप ओशन में करना तो ओशन, क्योंकि दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कॉन्टिनेंट का वेस्ट वही ओशन का ईस्ट होता है, पर वो कब पता लगेगा, जब आप वहाँ खुद इमेजिन करोगे अपने आप। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि इन्फ्लुएंस दोनों जगह है, बट डायरेक्शन में अंतर आ जाता है। अच्छा सर, आजकल ये मैप के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे इंडिया का है, वर्ल्ड का है, तो एक प्रकार से मतलब आपका तो जीवन आसान हो गया कि कुछ भी पूछे, हाँ भाई मैंने पढ़ा दिया था, मैप ही तो है। तो आप हैं या कोई एटलास है, वो तो यही कह देगा कि सब कुछ मेरे में से आया। तो मतलब नहीं सर, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं दावा मेरा करना सही तभी होगा कि मैंने याद करा पाया कि नहीं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उसमें जो पोलिंग फीचर है, और मैं इतना जब पढ़ाता हूँ और उसमें बच्चों को जब याद हो जाता है तो उनके उस सेटिस्फेक्शन को देख के, कॉमेंट सेक्शन को देख के मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने एक्चुअल में पढ़ाया। हालांकि मैंने कभी बोला नहीं ऐसा कि मैंने पढ़ाया तो आया, वो तो शायद आप कभी जब पेपर एनालिसिस होता है तो लर्नर्स के कॉमेंट सेक्शन को देख के ही पता लग जाएगा। और मेरा ये मानना नहीं होगा कभी भी कि आएगा कि नहीं आएगा, काम का है, पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको याद करवा दूंगा, बस मेरा इतना काम है। इसके बाद तो सर अब वो जिस दिशा में जाना हो जिसको। वो एक कार्टून फिल्म आई थी कुंग फू पांडा, उसमें वो मास्टर है, वो बोलते हैं कि मार्क ऑफ अ ट्रू हीरो इज ह्यूमिलिटी, जो सच्चा नायक है उसकी लक्षण क्या है, वो है विनम्रता। हाँ। वैसे सर ने सब पढ़ाया होता है, बच्चों को याद भी, पर खुद के वो कभी ऐसा छाती पीट के नहीं बोले देखो ये आया मेरा स्क्रीनशॉट। बीच में एक बार हम लोग कुछ सेमिनार करें, मैंने कहा था कि मतलब मैनेजर्स को कि ये स्क्रीनशॉट डालो सर के लेक्चर्स के, ये सब उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, वही विनम्रता है इनकी कि नहीं, 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 सर, मेरा मानना सिंपल है कि भाई जिसने पढ़ा है ना वो तो ईमानदार है, उसे पता है, उसको क्या ही मैं दोबारा बताऊंगा कि देख मैंने पढ़ाया था तेरे को। तो जब बच्चे देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं, तो जो नए बच्चे उन्हें खुद ही समझ जाना चाहिए कि भाई किसी रीज़न से देख रहे होंगे, तो बस ऐसा। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, आपसे ही क्यों ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़े, कहीं और से क्यों नहीं, व्हाट मेक्स यू स्पेशल? हाँ बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप। यही चीज़ मुझे शायद हर दिन पढ़ाते समय मैं पहले सोच लेता हूँ कि मेरे से ही क्यों पढ़ेगा व्यक्ति। और उसका कारण वो है कि जो मैंने फील किया वो अब कोई ना फील कर पाए,
ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट जो अब मुझे पता लगा इतना इंटरेस्टिंग है, वो कभी ऐसी स्थिति थी कि मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब कोई पता था तो मुझे ऐसा लगता था ये वो दुनिया के क्षेत्र जहाँ कैंसर ज़्यादा होता है, इस स्तर पर था मेरा ज्योग्राफी, मतलब एक टाइम पर मतलब किसी ने क्रिएट ही नहीं करवाया। तो मेरे हिसाब से उस पूरे सिस्टम को जो चेंज किया है मैंने, कोशिश की है मैप के थ्रू, नेशनल पार्क्स वगैरह, आज से आप सर 4-5 साल पहले देखेंगे तो लिस्ट के ही फॉर्म में हमें मिलते थे, बट अनअकैडमी की मदद से जो इंटरेक्शन हमें मिला है या जो एक प्रोडक्ट मिला है उसकी मदद से हमने इतना आसान किया है मैंने कि कोई भी लर्नर यदि एक बार ज्योग्राफी पढ़ेगा तो देखेगा कि ज्योग्राफी को एक नए ढंग से देखा जा सकता है। सो मेरे हिसाब से मेरे से यदि पढ़ने का फ़ायदा है तो ये है कि मेरी तुम क्लास में आए तो मैं कुछ भी पहले से नहीं पढ़ना है, बट तुम्हें चीज़ें सारी याद मैं करवा दूंगा, ये बेसिक है। याद करवा देंगे, आपकी हिस्से की मेहनत भी सर खुद कर लेंगे, चाहे UPSC ने अभी माइंस और मिनरल्स का सब एडवांस लेवल का पूछने का शुरू किया, खनिज कहाँ से मिलती है, उसमें कौन से केमिकल होते हैं, वो तो सरकारी एक किताब है, उसको पूरी प्रोसेस करके सर ने खुद नया अपना मटेरियल बनवाया, रिलीज़ करवाया। एनिमल बिहेवियर के बारे में UPSC ने पूछना चालू किया, सर ने खुद से सब रिसर्च कराया। आपको कंपनी की तरफ से मैंने कहा सर ये है ना मैनेजर ChatGPT से कर लिया, सर ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं भाई वो मतलब वो एग्जाम के रेलेवेंस नहीं, ChatGPT इज़ नॉट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने वो खुद फिर से प्रोसेस करके पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। सो वेरी प्रोफेशनल हार्डवर्किंग एजुकेटर, बिल्कुल आप और स्पेशल क्लास आप देखिए, आपको रुचि आएगी, आप मेरी बात पे संपूर्ण रूप से सहमत भी होंगे। सो टेक बेनिफिट ऑफ इट, बाकी सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, लेट्स क्रैक इट। तो आपको ये वीडियो बहुत डेफिनेटली मदद कर रहा होगा, रिलेटेड विद कुछ ऐसे डाउट्स रहते हैं अक्सर। सो कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे बताना। और अनअकैडमी ने अब UPSC की तैयारी को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बना दिया है, 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 24,999 में, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको सब मिलेंगे जिनका बहुत अनुभव है सब्जेक्ट का, आपके लिए पूरी जर्नी को बहुत आसान कर देंगे। तो इस सब्सक्रिप्शन को आप लीजिए जो कि 17 जुलाई से इसका प्राइस भी हाइक हो रहा है, और पूरी अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। साथ में 20-21 तारीख में इस जुलाई में आपको अनअकैडमी समिट भी होने जा रहा है, और इस समिट के मदद से आप लोग जो लेजेंडरी लोग हैं उनके भी वीडियोस देखेंगे, टॉप एजुकेटर्स के भी वीडियोस जो है आपकी क्लासेस रहेंगी, सो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इस एग्जाम को और समझने को मौका मिलेगा। सो उसको भी आप एनरोल करिए, बिल्कुल फ्री है वो सेशंस, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप जरूर लें, अपनी पूरी तैयारी को समय से कंप्लीट करें बिना कोई टेंशन के, बढ़िया से सारी चीज़ें कवर होंगी। यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10, लेट्स क्रैक इट।